हाय, आई एम मुनीजा रियाज। वेलकम टू ब्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में की, जिसमें हमने देखा कि रजत किस तरह सभी को मनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो एक थैंक यू कहना चाह रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेस था, उसकी जो परेशानी थी, ये कि साई उसकी बेटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस कम हुआ और वो चाहता है कि उसको थैंक यू बोले। पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो दूसरा तरीका अपनाता है, फूलों से, कार्ड से। वो ये कहना चाहता है कि उसको एक और मौका दे, नई शुरुआत हो। इस तरह की बातें होती हैं, तो चलें इस पे बात करते हैं। आपको क्या लगा जो देखा है? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? जो रजत इतनी मिन्नतें कर रहा है, इतनी कोशिशें कर रहा है, और वो भी फोन पे अपनी बात बोल रहा है। क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही क्यूट लगा था मुझे उनका तरीका। वो वहां से एक पढ़ती है और वो फोन पे ऐसे, वो तो कर ही सकते हैं, उतना तो एक चांस तो होना ही चाहिए। एंड इस तरह की बातें जब जैसे करीब आ रही है, उठ के जा रहा है और सब, वो तो बहुत मुझे क्यूट पहले तो लगा जिस तरह से वो आया है प्रीकैप, और ये एकदम से उनको इतना उनको मनाने का है और थैंक यू और नई शुरुआत की बात कर रहा है, तो ये क्या है? तो देखने में तो अच्छा लग रहा था, पर होगा कितना, क्योंकि किस तरह की नई शुरुआत, दोस्ती की शुरुआत शायद करना चाह रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी जल्दी से प्यार तो हो नहीं जाता है, पर एक स्टेप आगे ले जाते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत बड़ी चीज की है और वो मानता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया था जब उसको ये बात पता चली कि वो बेटी उसकी नहीं है। तो जबकि सभी इसको बोलती है कि आपको तो ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए और मैं नहीं होते हुए भी मैं मुझे है कि वो आप ही की बेटी है। तो इस तरह का सारा उनका कन्वर्सेशन हमने देखा था, और अब ये क्योंकि उनको थैंक यू बोलना है, ना वो थैंक यू एक्सेप्ट कर रही थी ना सॉरी एक्सेप्ट कर रही थी, तो चलो अभी ये तरीका अपनाते हैं। और जो कि मुझे क्यूट लगा, एक शुरुआत करने के लिए एक पहल तो की उस इंसान ने, तो मुझे तो अच्छा लगा उनका ये। आप क्या कहोगे? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट लगा, बिकॉज जैसे आपने कहा, इट वॉज ईटिंग हिम फ्रॉम विद इन ना, जो साई उसकी बेटी नहीं है वाली बात जो उनको पता चला था, जो उनको कन्विंस करा जा रहा था, जो अर्श बोल रहा था उसमें शायद सच्चाई हो सकती है वाली बात उनके दिमाग में बैठ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज रियली ईटिंग हिम फ्रॉम विद इन, एंड फाइनली उनको उस चीज से एक मुक्ति मिल गई है, क्योंकि सभी प्रूव्ड इट दैट शी इज योर डॉटर इन फैक्ट, एंड जो भी आप सोच रहे थे या जिसकी वजह से आप साई को दूर कर रहे थे, वो सब बेकार है। तो I think उन्होंने बहुत अपसेट भी हुई थी। वैसे तो ये लोग हमेशा से, इनका 36 का आंकड़ा ही रहता है, they are always on loggerheads, but I think this kind of a behavior towards Sai and वो जो सोच रहा था, उसके अस्तित्व पे सवाल कर रहा था, ये सभी को बहुत ज्यादा बुरा लगा है, उसने बहुत ज्यादा सुनाया था रजत को, तो शायद इसलिए वो बहुत चाहता है कि सभी उसको माफ करे, एक मौका दे उसको। और मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि लेट अस स्टार्ट एनीथिंग ऑन अ फ्रेश पेज, लाइक यू नो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी हमारी या जो भी हमारा चल रहा था, वो सबको छोड़ के हम एक नई शुरुआत करते हैं इस मैरिज को, या फिर एज साइज पेरेंट्स या जो भी है, लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रेश। तो ये उनका रिक्वेस्ट आया है, देखते हैं कि सभी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। वैसे तो वो बोल रही है कि रजत तक्कर इतना कैसे स्वीट हो गया, क्या हो गया है, सो लेट्स सी कि वो क्या डिसीजन लेती है, या फिर रजत को और मनाना पड़ता है, तो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कि वो क्या डिसीजन लेती है। उन्होंने तो पहल कर दी है, उन्होंने तो एक स्टेप आगे आया है और कुछ नई शुरुआत की बात की है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको हमारे छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें गुम है किसी के प्यार में ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। हाय, दिस इज डेजी शाह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।